ट्रांस एलजीबीटी कम्युनिटी का इमेज जो लोग एकदम डाउन करके देखते हैं, उसे उठाना मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेलो या अंकल, 76 एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं। न्यू जनरेशन से हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज़ कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, उनका जो क्वेश्चन आंसर जो हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है हमें। बिहार में मैं कटिहार से रहने वाली हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की है, केबी झा कॉलेज में बीए ग्रेजुएट हूँ। और कुछ इश्यूज़ की वजह से मैंने अपने पार्ट थर्ड का मार्कशीट और सीएलसी नहीं निकाल पाई मैं। सम की मैंने जेंडर चेंज करके मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पे इश्यूज़ थे कि अरे आप वो नहीं हो जो एग्ज़ाम दिया या फिर अदर चीज़, तो फिर मैंने वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने लाइफ में अपनी पढ़ाई एजुकेशन मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के की। उसके बाद मैं एनजीओस में काम की एचआईवी एड्स के लिए। 2013 में मैंने अपना जेंडर चेंज किया, मेल टू फीमेल में कन्वर्ट हुई। उसके बाद मैं जॉब करने के बाद मैं गांव गई। गांव जाने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला अरे यार ये पूरे गाँव को ख़राब कर देगी या फिर अदर चीज़, इसे मार डालो या तो इसे गाँव से निकाल डालो। तो काफ़ी इश्यूज़ हुए, बुली तो हर कोई करते हैं, पीछे से टोन मारना, ये तो हम उतनी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। फैमिली ने तभी इग्नोर किया कि नहीं हमारा बेबी नहीं है, बट जब उन्होंने देखा कि नहीं हमारा बेबी सही है और हमें दूसरों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, देन उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने काफ़ी सारा विशेष दिया मुझे। जिस तरीके से ये NMRC में हमें जॉब मिली है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें भी हम पब्लिकली हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना। इस तरीके का प्लेटफॉर्म अगर हमें आगे भी मिलता है, कोई भी जैसे कंपनी होगी या कुछ भी हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये उन लोगों के लिए भी एक वो होगा जिनका माइंड सेट है, वो लोग ये जान पाएंगे कि नहीं किन्नर्स जो हैं वो हर एक काम कर सकते हैं और बहुत शिद्दत से कर सकते हैं। बस हमें एक रास्ते की ज़रूरत है, हमें अगर कोई रास्ता दिखाता है तो हम उस पर अपना 100% पूरा करते हैं। फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं अच्छी से अच्छी जॉब करूं यहाँ से भी, और ऊपर अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहाँ जॉब करूं, बहुत सारा पैसा कमाऊं और खुश रहूं और अपनी फैमिली को भी खुश रख सकूं। मैं यहाँ NMRC में काम कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे हाउसकीपिंग की जॉब दी गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब से। पर मैं यहाँ तक नहीं रुकना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं 10वीं पास हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे पढ़ाई करूँ और अच्छे से अपने आगे पोस्ट मिले मुझे, मतलब यहीं तक नहीं रुकना चाहता हूँ मैं। दिल्ली सरिता विहार मदनपुर खादर में रहता हूँ और मेरी फैमिली जो है वो फरीदाबाद में रहती हैं। मैं पर अलग रहता हूँ क्योंकि वहाँ मैं कम्फर्टेबल नहीं होता रहने में, क्योंकि वहाँ पर समाज है, कोई किस नज़र से देखता है कुछ किस नज़र से, इसलिए मैं अलग रहता हूँ दिल्ली में और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ।